आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मथुरा पहुंचे, जहां बता दें कि गृह मंत्री विधानसभा चुनाव में स्थानीय पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार के लिए मथुरा पहुंचे। यहां अमित शाह ने सबसे पहले वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान उनके साथ मथुरा से पार्टी विधायक और राज्य सरकार के मंत्री श्रीकांत शर्मा भी थे। यहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश और सपा पार्टी पर जमकर निशाना साधा। खबर औरैया से है, जहां चुनाव को लेकर बीजेपी दिव्यापुर विधानसभा प्रत्याशी लाखन सिंह की ओर से वोट मांगने के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन किया गया। लाखन सिंह की ओर से समर्थकों के साथ काफी ज्यादा भीड़ दिखाई दी। इसके के साथ नियमों के उल्लंघन का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वायरल हुए वीडियो में बीजेपी प्रत्याशी नियमों का उल्लंघन करते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो को लेकर जिलाधिकारी की तरफ से कई टीमें बनाई गई हैं और इस टीमों की जांच को आदेश दिए गए हैं और मामले की कार्रवाई की मांग की गई है। ऐसा कोई भी वीडियो अगर हमें प्राप्त होता है, आप मीडिया वालों से भी अनुरोध है, ऐसे कोई भी वायलेशन के वीडियो अगर मिलते हैं तो हमारी मीडिया सर्टिफिकेशन टीम है, साथ में वीडियो व्यूइंग टीम है, उसको उपलब्ध कराएं ताकि हम उसको देख के उसके वायलेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट है आरपी एक्ट 1951 उसके तहत कार्रवाई सुनिश्चित कर सकें। फरीदाबाद में सफाई कर्मचारियों की समस्या जानने पहुंची राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य अंजना पवार ने कई बातें कही। सदस्य अंजना पवार ने कहा कि आयोग सफाई कर्मचारियों की मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार बनते ही स्वच्छ अभियान की शुरुआत की थी, जो एक महत्वपूर्ण कदम था। केंद्र की सरकार अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी ध्यान में रखकर काम कर रही है और सफाई कर्मचारी के मान और सम्मान को भी बढ़ा रही है। अंजना पवार ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की ज्यादा बड़ी समस्याएं नहीं होती, छोटी छोटी समस्याएं होती हैं जिन्हें अधिकारी अपने स्तर पर भी निपटा सकते हैं। काफी शिकायतें आ रही थी कि नगर निगम में सफाई कर्मचारियों के साथ शोषण बहुत ज्यादा हो रहा है, कई कई तरीके से शोषण हो रहा है। तो हमने प्रयास किया अपने लेवल पे, पिछले जो आयुक्त थे आपके उनसे भी मैंने मीटिंग कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ से नकारात्मक जवाब मिलते रहे जी मैडम कोरोना है, मैडम बिजी है, तो मीटिंग नहीं हो पाई। फिर मुझे मजबूर होकर नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी में कंप्लेंट करनी पड़ी और आज उसी सिलसिले में अंजना पवार जी को हम लेकर आए हैं यहाँ पर। फरीदाबाद आने पर आज तो कार्यक्रम तो अभी होगा खैर, लेकिन ये जो नगर निगम के जो भी सफाई कर्मचारी हैं उन लोगों की समस्याओं के बारे में जानकारी लेने के लिए आई हूँ मैं। हम इनको कैसे आर्थिक, सामाजिक और जो शैक्षणिक जो हमारे समस्याएं होती है कर्मचारियों की, हम उनको कैसे इनको निजात दिला सकते हैं, इनको कैसे हम उस समस्याओं से छुटकारा दिला सकते हैं, इसके लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग काम करता है। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, जिन्होंने अपने सर्वोच्च पद की शुरुआत ही स्वच्छ भारत मिशन से। रायबरेली के चौथे चरण के लिए आज से नामांकन शुरू हो गया। कलेक्ट्रेट परिसर में रायबरेली की 5 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन हो रहे हैं। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्रत्याशी नामांकन कर सकेंगे। जिला प्रशासन ने नामांकन की तैयारियां पूरी कर ली हैं। नामांकन की प्रक्रिया के दौरान प्राइम टीवी संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर रायबरेली की जनता का मूड जाना। मैं विधानसभा 179 हरिचंदपुर से चुनाव लड़ूंगा और वहीं की जनता की सेवा करूंगा। किसानों की समस्या हल हो, युवाओं को रोजगार मिले, पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार न होकर के आम आदमी की सरकार हो, दलितों, पिछड़ों, कमजोरों के का हित हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, बहु बेटियों की सुरक्षा की जाए, इन मुद्दों को लेकर के या इन कमजोर वर्गों की समस्याओं के समाधान के लिए मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। छावा विधानसभा को संदेश देना चाहते हैं कि हमारे यहां पूंजीपतियों बार बार लड़ते हैं, सब कुछ करते हैं,
वहाँ छोटे गरीब तबके के लोगों को कोई सुनता नहीं है। इसलिए मैं शोषण वंचित व्यक्तियों को मजबूती के साथ अपने विधानसभा में मेहनत करके उनको आगे बढ़ावा चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता। मैनपुरी में 8 साल की बच्ची के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। पुलिस ने बलात्कार के आरोप में एक इमाम को गिरफ्तार किया, जहां जानकारी के मुताबिक किशनी थाना क्षेत्र में गांव में 52 साल के इमाम ने मस्जिद के अंदर पढ़ने आई 8 साल की बच्ची को लालच देकर उसके साथ रेप किया। बाद में इस मामले में परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी और इमाम पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इमाम को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने मासूम को मेडिकल जाँच के लिए अस्पताल भेज दिया है। थाना किसनी का है, यहाँ कल एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ जो मदरसे में पढ़ने के लिए जाती थी उसके साथ वहाँ पे जो मौलवी था उसके द्वारा दुष्कर्म किया गया है। थाने पर सूचना प्राप्त होने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और जो इसमें नामित अभियुक्त है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है जहाँ उसकी स्थिति ठीक है। हमारी बच्ची 2 बजे पढ़ने गई थी और वहाँ पढ़ते पढ़ते हाफिज जी ने वाले गंदी हरकतें की, इसने मुझे घर पे आके बताया। छेड़खानी की घर से लालच देके एक बच्ची बाहर निकाल दिया, इसको अकेले करके। खबर हरदोई से है जहां पुलिस के हाथ सफलता हाथ लगी है, जहां थाना बेहाटा को कुल पुलिस के नामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि जिला में अपराध नियंत्रण के अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है और इसी अभियान के तहत पुलिस ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। अभियोग पंजीकृत हुआ है जिसमें बेहाटा गोकुल निवासी परमई लाल वांछित था और 25,000 रुपये का इनामी था, उसे गिरफ्तार किया गया है और उसको जेल भेजा जा रहा है। इसके विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों में 5 अभियोग चोरी के पंजीकृत थे पहले, उसी पे गैंगस्टर लगा था। मिर्जापुर में राष्ट्रीय नदी घोषित गंगा की निर्मल और अविरल धारा को बनाए रखने के लिए अब दीवारों का सहारा लिया जा रहा है। नगर के विभिन्न गंगा घाटों और सड़क के मार्ग पर दीवारों पर गंगा स्वच्छता और जलीय जीवों के बचाने की गुहार दीवार पर उकेरे गए चित्र के जरिए लगाई जा रही है। इस कलाकारी को लेकर बताया जा रहा है कि एक चित्र कई हजार लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इन जीवन चित्र को बनाने के लिए लखनऊ से आए कारीगर मेहनत कर रहे हैं और बिना कहे यह चित्र बार बार समाज के लोगों को जगा रहे हैं। किसी भी चीज की एक बार कहने से कुछ नहीं होता, इसके लिए बार बार जगाना पड़ता है। यह काम दीवारों पर उकेरे गए चित्र बखूबी कर रहे हैं। हाँ, चूंकि गंगा नदी यहाँ का मुख्य अंग है जिले का और लोगों को जागरूक करने के लिए कि जिसे गंगा को किसी न किसी रूप में संरक्षित रखें, स्वच्छ रखें, कूड़ा करकट न करें और जो जलीय जीव हैं उनको भी सुरक्षित रखा जाए, तो इस भावना को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने ऐसे सोचा कि सिर्फ कह देने मात्र से वो इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, तो पेंटिंग के माध्यम से इसलिए ये कार्यक्रम कराया जा रहा है। और यहाँ पर जैसे हमारे प्रांगण में आपने वन परिसर में देखा होगा और वन परिसर में ही ये जिला गंगा समिति का कक्ष भी यहाँ स्थापित है, तो जो भी कार्यक्रम होते हैं उसको हम लोग वहाँ पर। अलीगढ़ के थाना हरदवागंज क्षेत्र में ज्वेलरी की दुकान में सामान देखने आई 76 महिला ने सोने पर अपना हाथ साफ कर लिया। 3 महिलाओं ने देखते ही देखते सोने का सामान पार कर दिया। मामले में पुलिस को मिली शिकायत के अनुसार अभिषेक जैन की सर्राफ की दुकान है। ज्वेलरी की दुकान पर 3 महिलाएं आईं और सोने चांदी का सामान देखने लगी। देखते ही देखते महिलाओं ने सोने का सामान गायब कर दिया। वहीं दुकानदार का कहना है कि जब शक हुआ तो उसने सीसीटीवी कैमरे में देखना शुरू किया तो महिलाएं सोने का सामान गायब करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। फिलहाल पीड़ित दुकानदार ने पुलिस को शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। कौशाम्बी में मंजनपुर तहसील क्षेत्र के विजया चौराहे में अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद की ओर से बैठक की गई। गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये बैठक हुई थी जिसमें ध्वजारोहण के बाद गरीब ब्राह्मणों को कंबल और मास्क वितरण किया गया
वहीं बैठक में ब्राह्मण समाज के बहुत सारे मजबूत लोग मौजूद रहे। सभी ने संगठित होने के लिए अपनी अपनी बातें रखी और इस मौके पर उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि स्वर्ण समाज की उपेक्षा कर सत्ता हथियाने वाले नेताओं को अब दिन लद गए हैं, अब स्वर्ण समाज उनकी झांसे में आने वाला नहीं है। वक्ताओं ने कहा कि जो स्वर्ण समाज के हित की बात करेगा वही उत्तर प्रदेश पर राज करेगा। फरुखाबाद में भाजपा के तीन प्रत्याशियों ने नामांकन किया, जहां भाजपा के सदर प्रत्याशी मेजर सुनील द्विवेदी ने नामांकन किया। भोजपुर भाजपा प्रत्याशी नागेंद्र सिंह राठौर ने नामांकन किया। अमृतसर से भाजपा के विधानसभा प्रत्याशी सुनील शाक्य ने नामांकन भी किया। नामांकन करने के बाद अपने समर्थकों के बीच पहुंचे प्रत्याशियों का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। जनता की सेवा करना, उनकी समस्याओं का निराकरण करना, राष्ट्र निर्माण जो पार्टी का मूल मंत्र है उसको आगे बढ़ाना और माननीय मोदी जी और योगी जी की जनहितकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, उनको उसका लाभ दिलाना। कोई विरोध नहीं, जो विरोध कर रहे हैं वो विरोधी पार्टी के हैं, ये आप लोग नहीं जानते क्या? जब जिला पंचायत के चुनाव हुए थे वो लोग कहाँ थे? भारतीय जनता पार्टी जब जिला अलीगढ़ के थाना अकबरापाद क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे, जहां अज्ञात चोरों ने 7 दुकानों को निशाना बनाया। जानकारी मिली है कि कहीं ताले तो कहीं छत और दीवार काटकर चोरी की घटना को अंजाम देकर लाखों रुपए का सामान पार कर फरार हो गए। पीड़ित दुकानदारों ने चोरी की घटना के बाद प्रदर्शन करते हुए पुलिस पर अवैध उगाही का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई। पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए पीड़ित दुकानदारों ने जल्द से जल्द न्याय मिलने की गुहार लगाई है। कहाँ पर दुकान करते हैं? शोरूम में पर। अच्छा, किसकी दुकान है तुम्हारी? मिठाई की दुकान है। कितने का सामान कैसे क्या ले गए? 4 भोले ले गए, 4 प्रात ले गए, 2 पीठ भाड़े ले गए, पूरा गल्ला खाला कर दिया। करीब लोग आती पैसे थे उसमें। कितने के पैसे थे उसमें? करीब थे कोई 2000 रुपये लगभग। अच्छा, गुटके थे, गुटके पैकेट, सिगरेट भी आती। अच्छा, भाड़े टी रहे सब गायब हो गए, कम से 3-4 हज़ार रुपये नुकसान है। ये शेयर बम्बा पर चोरी हुआ है सर, छत काट के। जी, और कितने रुपए तक का सामान ले गए? लगभग 1 लाख रुपए का मोबाइल की दुकान थी तो सामान ज़्यादा था, 1 लाख रुपए का लगभग सामान चोरी हुआ। तो यहाँ पुलिस का गश्त नहीं रहता? पुलिस का पता नहीं सर, पुलिस होती तो चोरी क्यों होती। अच्छा अच्छा, तो पुलिस की भी लापरवाही है इसमें? हाँ जी हाँ, पुलिस की लापरवाही है। लखीमपुर खीरी के नीमगांव थाना क्षेत्र में सड़क के किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला का शव बरामद हुआ। शव को देखने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी, जहां सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन अभी तक महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस ने शव को जाँच के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई जारी है। तो कोई ना, फिर ये 50 गांव का आदमी निकल चुका सुबह से, देखे कोई जीपो वाले निकले, मोटरसाइकिल निकले, कोई नहीं पता ना कहाँ के। क्या बॉडी देखकर क्या लग रहा है कि हत्या या आत्महत्या या कुछ? पागल मालूम हो, पागल लग रही है। क्या इससे पहले भी यह देखी गई है? हाँ हाँ, कई बार तो देखी गई। कल जो है बच्चों बता रहा है, उधर जा रहे थे, स्कूल जा रहे थे। क्या पुलिस क्या कह रही है? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस तो संदिग्ध लगा। संभल में गणतंत्र दिवस पर भाजपा प्रत्याशी राजेश सिंगल ने नुक्कड़ सभा में विवादित बयान दिया था। उन्होंने मन से कहा कि अगर चुनाव में उन्हें वोट नहीं दिया तो स्थित होमगार्ड से भी बदतर हो जाएगी। बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी का यह बयान सदर कोतवाली के ठीक सामने गणतंत्र दिवस का झंडा फहराने के दौरान सामने आया था। भाजपा प्रत्याशी के इस विवादित बयान के बाद से माहौल काफी ज्यादा गर्मा गया है। खबर बिजनौर से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे आज चुनावी दौरे के लिए, जहां सीएम योगी ने पहले डीएम और एसपी के साथ जिला अस्पताल में निरीक्षण किया और साथ ही कोविड-19 को लेकर लोगों को कोविड वैक्सीन लगाने की अपील की। बता दें कि साथ ही सीएम योगी ने अस्पताल की कुछ व्यवस्थाओं को लेकर डीएम और प्रशासनिक अधिकारी को दिशा निर्देश भी दिए। खबर औरैया जिले से है, जहां जिला प्रशासन अधिकारियों ने अवैध शराब के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन में आते हुए बस्ती इलाके में छापेमारी की और भारी मात्रा में लहन और कच्ची शराब को नष्ट किया। साथ ही साथ कच्ची शराब बनाने उपकरण भी बरामद किए गए। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अगर किसी भी प्रकार से कहीं पर भी अवैध शराब का निर्माण हो रहा है तो उसके खिलाफ थाना पुलिस कार्रवाई करे।
टीएम सुनील वर्मा और एसपी अभिषेक वर्मा ने कहा कि सटीक सूचना पर यह संयुक्त रूप से छापेमारी की गई है। जनपद औरैया, औरैया का जो कस्बा है पछैया बस्ती से कहते हैं, यहाँ पे सूचना के आधार पे हम लोगों ने रेड मारी है और कई घरों में जहाँ पे लोग गायब मिले हैं, जहाँ पे लोग नहीं थे, लेकिन मौके से काफ़ी सामान यहाँ पे वैसा बरामद हुआ है जिससे दारू जो देसी शराब है उसको बनाए जाने की आशंका है। वो सारा सामान इकट्ठा किया जा रहा है, उनको बनाने का जो मटेरियल वो इकट्ठा किया जा रहा है। इसके अलावा जो देसी मदिरा प्रतीत हो रही है वो भी हम लोगों ने इकट्ठा किया है। अभी रेट चली रही है तो अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा कि एग्जैक्ट कितना अमाउंट या कितनी मात्रा में बरामद हुआ है, बट ये रेट सारे ज़िले में की जा रही हैं। तो जिलाधिकारी महोदय और मेरे निर्देशन में आबकारी और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा यहाँ पर छापेमारी की जा रही है और भारी मात्रा में अब तक हमने बहुत अवैध शराब का जो लहन है, सामग्री जिससे अवैध शराब बनती है उसको बरामद किया है और अवैध शराब भी बरामद करी है। साथ ही साथ कुछ भट्टियों के सामान और शराब बनाने के अलग उपकरण हमने बरामद किए हैं। अभी रेड क्योंकि प्रचलित है, कंटिन्यू है, तो अभी हम इसकी संख्या। खबर बलिया से है जहां सपा नेता संग्राम सिंह यादव ने चुनाव आयोग के द्वारा सरकारी सामान की डकैती का आरोप लगाया है। बता दें कि शिकायत मिलने के बाद चुनाव उड़नदस्ता और एसडीएम ने छापेमारी की और 18 ट्राई साइकिल बरामद किया। इस मामले में सपा नेता ने चुनाव आयोग पर एक्शन न लेने का आरोप लगाया है, नहीं करने का आरोप लगाया है और साथ ही मंत्री पर सरकारी सामानों की डकैती का आरोप लगाया। ये पूरा मामला फेफना विधानसभा के जूनियर हाई स्कूल पचखोरा का बताया जा रहा है। बड़ा दुर्भाग्य है कि प्रशासन को सूचना देने के बाद भी जिला प्रशासन के कान पे जू नहीं रेंग रहा है। जब चुनाव आयोग को शिकायत की जा रही है, जब चुनाव आयोग का डंडा कर रहा है, तब ये प्रशासन जग रहा है। दो जगह छापेमारी हुई, दो जगह मिला, अभी तीसरी जगह अभी अभी मैंने सूचना दिया है, अभी तीसरी जगह भी साइकिल रखी हुई है और विकलांगों का सामान रखा हुआ है। माननीय मंत्री ने कितनी डकैती किया है इन सामानों का मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये डकैती करके ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव जीतना चाहते हैं और चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं और प्रशासन, जिला प्रशासन, हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं जिला प्रशासन इस पे। खबर सीतापुर से है जहां आज से नामांकन शुरू हो रहे, नामांकन 3 फरवरी तक चलते रहेंगे, जिसके लिए सुरक्षा के चाक चौबंद किए गए, चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई है और साथ ही कई थानों की सुरक्षा भी लगाई गई है। वहीं मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक भी जायजा लिया। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।